एवरीवन, आज हम हिंदी पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6। लेसन नंबर 1, दयालु शिकारी। ये क्या है? चित्रपाट है। सबसे पहले हम लर्न करेंगे, इस चित्रपाट में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। क्या कहा है? देखो यहाँ पे डिफरेंट पिक्चर दिए हैं, उसके रिलेटेड यहाँ पे बताया है कि चित्रपाट है, इसमें किसकी बात की है? एक शिकारी की बात की है जो हिरण का शिकार करने के लिए जंगल में गया है। हिरणी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। और हिरणी है, उसने एक छोटे से शावक को जन्म दिया है। उसी समय बहुत शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है। जब हिरणी है वो एक शावक को जन्म देती है, उसी वक्त वो शिकारी है वो गोली चलाता है और शिकारी की गोली का निशाना है वो हिरनी बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। फिर शिकारी है वो हिरनी के पास आता है और देखता है कि उसे गोली है वो कहाँ पे लगी है, और वो गोली हिरनी की टांग में लगी थी। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। वो शिकारी है वो देखता है कि हिरनी के पैर में यानी कि टांग में गोली लगी है, तो उसे बहुत पछतावा होता है और वह हिरनी और उसके बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। वहाँ पे उसका इलाज करवाता है और फिर वापस उसे जंगल में जहाँ से उठाया था वहाँ पे छोड़ देता है। इस चित्रपट में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। इस चित्रपट में पशुओं के प्रति मानव का व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, इसकी बात की है और ये बताया है कि संसार में सभी को जीने का अधिकार है। अब हम आगे चित्रपाट है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे नंबर दिया है, हर एक ड्रॉइंग उसने नंबर दिया है। फर्स्ट पिक्चर में क्या है? एक हिरनी है वो जा रही है। हिरनी कैसी है? तंदुरुस्त दिखाई देती है ना, मोटी। फिर सेकंड पिक्चर में देखो, एक शिकारी है वो शिकार के लिए आया है और यहाँ पे पेड़ के पीछे बैठ के देख रहा है कि अगर कोई उसे जानवर मिल जाए तो, और वो क्या देखता है? एक हिरनी को। फिर शिकारी है वो क्या करता है? गोली चलाता है। इसके ऊपर हिरनी के ऊपर, यहाँ पे देखो नंबर 4 में, और ये हिरनी है वो शावक को जन्म देती है और उसके पाँव में वो गोली है टांग में लग जाती है। यहाँ पे नंबर 5 में देखो, हिरनी है वो वहीं पे बैठ जाती है क्योंकि उसकी टांग में क्या लगी है? गोली लगी है। देखो ये 5th वाले पिक्चर में। फिर ये 6th पिक्चर में क्या हुआ है? शिकारी है वो उसके पास जाता है, वहाँ पे देखता है कि हिरनी की टांग में गोली लगी है और पास में क्या है? छोटा सा शावक है। फिर 7th पिक्चर नंबर में देखो क्या है? शिकारी है हिरनी को कहाँ पे लेके जाता है? अस्पताल लेके जाता है। देखो नंबर 8 पे क्या हुआ? वहाँ पे उसकी मरहम पट्टी करवाता है और उसकी केयर करता है। लास्ट में नंबर 9 पे वापस वो हिरनी और छोटे से शावक को जंगल में छोड़ देता है जहाँ से उसने उसे उठाया था। बच्चों, इस चित्रपाट से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें सभी को जीने का अधिकार है, उसे छीनना नहीं चाहिए और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। थैंक यू।